हेलो दोस्तों, ये आईटेल का मोबाइल है। आईटी 5608 मॉडल नंबर है, जो ये लोगों के आगे नहीं जा रहा है, इसके आगे जा नहीं रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है, और मैं इसको अभी बनाऊंगा इंशाल्लाह, और आपको दिखा देता हूँ इसको कैसे रिपेयर करना है, जो हैंग ऑन लोगों का प्रॉब्लम है आईटेल का। यानी कि इसका मॉडल नंबर है 5608 आईटी। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं क्या फॉल्ट है इसमें। सबसे पहले तो आप ये मल्टीमीटर को बी मोड पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये मिडल पॉइंट पे रख के ये रजिस्टर चेक करिए। ये प्लस पॉइंट का है और ये माइनस पॉइंट का है। बीच वाला यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मैं ये वाला जो रजिस्टर है इसको रिमूव करके चेक करूंगा। ये देखिए, मैंने इसका जो रजिस्टर है यहाँ पर लगा हुआ था, ये निकल दिया है। अभी हम इसको चालू करके देखेंगे कि चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। इसका ये रजिस्टर मैंने वापस लगा दिया है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं इस पीस का जो सीपीयू है, जो मेन आईसी है, उसको थोड़ा हीट करके देखूंगा। ये नीचे से करना है, कीपैड की साइड से, आगे से नहीं करना, नहीं तो मोबाइल डेड हो जाएगा। Thank you.
इसको ये साइड से थोड़ा सीपीयू आईसी को गर्म करें तो इंशाल्लाह चालू हो जाएगा। ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादातर फ्लैश का ही रहता है, मतलब सॉफ्टवेयर का ही रहता है। तो मैंने ऑब्वियसली इस मोबाइल को दो बार सॉफ्टवेयर किया है, फिर भी नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों, इसको मैंने ये फिटिंग कर दिया है। बीच में मेरा वीडियो बंद हो गया था क्योंकि मेरा फ़ोन का जो स्टोरेज है वो फुल हो गया था। अभी मैंने रिकॉर्डिंग एसडी कार्ड पे ट्रांसफ़र किया है तो रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब मैं इसको ऑन करके आपको इसका जो कीपैड है सारे कीपैड दिखा देता हूँ, चालू हो रहा है कि बंद है कि चालू है। क्योंकि ज़्यादा करके मोबाइल गर्म करने के बाद ही कीपैड का प्रॉब्लम आता ही है सब मोबाइल में। पीस एब्सोल्युटली ओपन है पूरा, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं है पीस में। 0 7 8 9 4 5 6 3 2 1 ठीक है, सब कीपैड वर्क कर रहा है। ये देखिए, तो चलिए दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।